एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडल एज शोन इन द फिगर। सर्कल इज गिवन एंड इनसाइड द सर्कल वन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन एंड डिजाइन इज देयर इन द सेगमेंट। You have to find the area of this segment, area of this design, and this design is equal to area of three segments. Now, you have given the radius of the circle. Only radius of circle is given. If from the center point you join these lines, only this 32 centimeter radius is given. Nothing else is given. What you will do to find this area? We have two ways to find this. First way is to find the area of the circle using this radius 32 centimeter, and then find the area of this equilateral triangle. If you subtract the area of equilateral triangle from the circle, then you will get the area of the remaining shaded portion. One way is this. For this, you will need the side of equilateral triangle. Okay. And the second way is to find the area of, if you join these three vertices with the center, three triangles have been formed in this equilateral triangle. If you find the area of one triangle, you will make the triple of it, क्योंकि सारे equal होंगे. आपको पता ही है कि equilateral triangle के जब हम center से ये divide करते हैं, each is 120 degree. रोटेशनल सिमेट्री याद है, जब हम सेंटर से ये लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस सेंट्रल एंगल हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, 120, 120 एंड 120. यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्रायंगल, यू विल मेक ट्रिपल ऑफ इट, ट्रिपल करोगे यू विल गेट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, ट्रिपल होते उसके बाद रेडियस गिवन है सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस. अब ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के टू वेज हैं. या तो आप सीधा साइड निकाल के एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लो रूट थ्री बाय फोर साइड पे, या सेकंड वे ये है कि स्मॉल ट्रायंगल का एरिया निकालो उसका थ्री टाइम्स कर दो, आपको पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा. दोनों ही केसेस में आपको साइड तो चाहिए ही चाहिए. अगर आपके पास ये बेस होगा, अगर आप इसको छोड़ भी दो, इफ यू ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर इन दिस स्मॉल ट्रायंगल, देन दिस इज योर बेस, दिस इज योर परपेंडिकुलर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. फॉर दैट ऑल्सो यू नीड दिस बेस, और बेस का मतलब क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल. तो साइड निकाल ली तो ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर. ठीक है, नाउ हाउ यू विल फाइंड दिस साइड, द मेन क्वेश्चन इज दिस, हाउ यू विल फाइंड दिस साइड विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियस 32 सेंटीमीटर. यस, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस. आपने पाइथागोरस से नहीं, एक और वे भी तो है, ट्रिग्नोमेट्री. आपको याद है किसी भी राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बनाया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्कस की जाती है. अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको ये एंगल कितना है, टोटल टोटल कितना है, 120. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल कितना हो गया, ये कितना है, ये कितना आ गया, 30. ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, क्या होता है, साइन होता है. ठीक है, यहाँ से आपके पास ये बेस आ जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर जिसको आप परपेंडिकुलर कह रही है आ जाएगा. अगर आप इसका डबल कर दो साइड ऑफ ट्रायंगल आ जाएगी. तो आपने क्या करना है, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके ये फाइंड करना है, ये पार्ट उसका डबल कर देना, आपको ये लेंथ मिल जाएगी. ठीक है, और अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हो तो पहले ये बेस भी निकाल सकते हो, उसका डबल कर दो साइड आ गई, ये भी फाइंड कर लो. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है. ठीक है, कॉस से ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से भी ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हो. ठीक है, पर बेटर यही है कि आप एक चीज करो, तो वो बेटर ये है कि आप ये फाइंड कर लो, उसका डबल करो, साइड आ जाएगी, फिगर ड्रॉ करो. ठीक है, बैठो पहले तो आप साइड पर हो.
ठीक है, ये 60 लिख लो, ये 32 है, ये भी 32 है, ए बी सी ये ओ। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, इसको डी दे दो। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये अगर वो पूरा 120 है, ये हमने क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंपलसरी है कि एंगल को भी डिवाइड करेगा। आप इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप एंगल बाइसेक्टर लिखो, ये तो आपकी मर्जी है ना, हम इसको एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ओडी इज द एंगल बाइसेक्टर। इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो ये होता है एंगल बाइसेक्टर, ये साइड्स इक्वल है, बेस एंगल इक्वल है, तो ये भी परपेंडिकुलर भी होता ही है। ठीक है, इन केस ऑफ इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेकिन हमने लिख दिया पर्टिकुलर एंगल बाइसेक्टर है तब भी चलेगा। डीओसी कितना आ गया, 60 डिग्री। अब इन ट्राइंगल डी ओ सी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज। साइन 60 इज क्या होता है, √3/2 डी सी इज अपॉन 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी सी इज इक्वल टू 16√3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, आपके ये वाली साइड आ गई डी सी। डी सी कितना आएगा, अगर ये 16√3 है तो ये कितना आएगा, 32, डबल ऑफ दैट। तो बी सी इज इक्वल टू 2 × 16√3, दैट इज 32√3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस है, दो साइड इक्वल है ना, थर्ड साइड तो आप फाइंड की है, आपके सामने ही है, इक्वल नहीं है, आइसोसेलेस है। अब आपके पास ट्रायंगल की साइड आ गई, नाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोलो केशव फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया, एरिया ऑफ बोलो अर्पित, √3। आगे बोलोगे √3/4, हाँ बोलो फिर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वेयर। √3/4 साइड इज कितनी है, साइड 32√3 इंटू 32√3। सॉल्व करो इसे, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, √3 × √3 3 आ गया, 24 × 32√3 करो मल्टीप्लाई, आंसर बोलो क्या आएगा, लास्ट। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया आ गया, हाउ यू विल फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, बोलो चांद क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का, हाँ जी नहीं, 3 π r बेटा। बोलो खुशी, π r² रेडियस इज, पाई गिवन है, रेडियस इज 32 × 32, सॉल्व करो, सीधा
2 2 5. नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या एरिया ऑफ डिजाइन क्या करेंगे एरिया ऑफ डिजाइन के लिए? ये डिजाइन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल 2 2 5 2 8 अपॉन 7 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 768√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर. कॉमन आता है तो फाइंड कर लो, नहीं तो आंसर चेक करो. मेरे ख्याल से यही है शायद आंसर. हाँ जी यही है. ठीक है अगर आप वैसे कॉमन लेना हो तो क्या कॉमन है पता है? 32. ये देखो कैसे 32 32 यहाँ पर था, मल्टीप्लाई करके आया, इसमें 32 है, इन सबको मल्टीप्लाई करके ये आया है, इसमें भी तो 32 है, तो इसका मतलब 32 तो कॉमन आ ही रहा है. यहाँ से देखो ना इनके फैक्टर्स में से, इसमें 32 भी है और भी कॉमन आ रहा है क्या? उसमें 24 है, इसमें 22 है, 32 और 4 भी आ सकता है क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और उसमें 24 में भी 4 है, तो 4 भी ले सकते हो. पहले 32 ले लेना, फिर दोबारा 4 भी कॉमन ले सकते हो. ठीक है, उसके बाद भी लगे कुछ लेफ्ट आउट है फिर भी ले सकते हो. वैसे इतना इनफ है, लेकिन हो सकता है एमसीक्यूज में ऑप्शंस में कॉमन लेके दिया हो, तो अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो तो जो आंसर दिएंगे उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि कौन सा टैली होता है इसके साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद द सेंटर ABCD. फोर सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट दीज सर्कल्स टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स. समझ आया? एक सर्कल जो है ना, जो रिमेनिंग 3 है उनमें से 2 को टच कर रहा है. मतलब आप ये देख ही रहे हो फिगर बनी हुई है इसकी, यहाँ पे जो स्क्वायर दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो सर्कल है ऐसे, ये जो सर्कल है एक, इसको इसकी बात कर रहे हैं इस सर्कल की, तो ये 3 रिमेनिंग सर्कल है, 3 में से 2 को टच कर रहा है इसको और इसको, ये वाला सर्कल इन 3 में से 2 को टच कर रहा है, ये मीनिंग है फिगर का. ठीक है, कि जो एक सर्कल की बात कर रहे हैं, 3 में से वो 2 को टच कर ही रहा है एक्सटर्नली. आपके पास इसकी साइड है 14, रेडियस कितना होगा? 7. टोटल 14 है, ये भी 7, ये भी 7, ऐसे ये भी 7. ठीक है, इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये क्या है? क्वाड्रेंट. ये क्या है? क्वाड्रेंट है. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है तो ये क्वाड्रेंट हो गया. अब 4 क्वाड्रेंट ऐसे मिला दिए जाएं तो क्या बन जाएगा सर्कल? इसका मतलब 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1 सर्कल. अब आपने फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन दैट इज लेफ्ट इनसाइड दिस, ये फाइंड करना है. आप बोलो सक्षम है? नहीं बोलो. ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ये जो पोर्शन है शेडेड, ये किसके अंदर आ रहा है? सर्कल के अंदर कि स्क्वायर के अंदर? स्क्वायर में से किसको माइनस करेंगे? कौन से सर्कल? ये जो स्क्वायर है ये, इसमें ये 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट, और 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बनाता है? 1 सर्कल. तो स्क्वायर में से अगर एक फुल कंप्लीट सर्कल को माइनस कर दो तो ये लेफ्ट ओवर पोर्शन का एरिया है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 सर्कल. ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है सक्षम? साइड, साइड स्क्वायर. इतना इतना इजी पूछा, उसमें भी कंफ्यूजन है. साइड इज 14, साइड स्क्वायर से एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा,
सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो, रेडियस इज गिवन, देन सब्ट्रैक्ट देम, करो अपने आप, राइट डाउन, साइड 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करो, 196, ये देख लो, 14 स्क्वायर नहीं पता, एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 14 स्क्वेयर, एरिया ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू साइड स्क्वेयर, दैट इज 14 स्क्वेयर, 196 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, रेडियस कितना है 7, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, 22/7 इंटू, सब्ट्रैक्ट करो, ये कौन था, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 196 माइनस 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, टू 17, 24, 32, 33, 34, 37, 38, 43, 11, 21, 23, कितने हो गए, 60 मीटर, ठीक है, दो पैरल ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है ये 60 है, आपको पता है पैरल लाइन के बीच में जितना भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है वो सेम होता है, अगर यहाँ 60 है तो सारी जगह 60 ही होगा गया, यहाँ पे सर्कुलर सेमी सर्कुलर पाथ है, फिर से यहाँ पे एक और है पाथ इस तरह से, बुक में सिर्फ ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पाथ है ना इसकी जो लेंथ है वो 106 है, अगर ये 106 है तो यहां से लेके यहां तक ये भी 106 होगा क्योंकि पैरलर है, ये भी 106 है, ये भी 106 है, इसकी जो विड्थ है सेमी सर्कल की ये 60 है, इसका मतलब ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना हो गया 30, ठीक है, अब ये जो ट्रैक की विड्थ है ना ये 10 है, तो आउटर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, इनर सर्कल का रेडियस हो गया 30, उसमें विड्थ प्लस कर दोगे 30 + 10 = 40, ये भी 40, इसका मतलब डायमीटर कितना हो गया आउटर ट्रैक का 80, ठीक है, 40 + 40 = 80 हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपको कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक, फाइंड द लेंथ ऑफ द इनर ट्रैक, इसकी लेंथ निकालो यहां से लेके यहां तक, ये सारे, ये जो सेमी सर्कल पोर्शन है, दो सेमी सर्कल जब कंबाइन होंगे एक सर्कुलर ट्रैक बनेगा सर्कल, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी पाई डी या 2πr, ठीक है, इसका मतलब सेमी सर्कल जो दो कंबाइन हो रहे हैं ये आपको सर्कुलर ट्रैक दे रहा है, दैट इज 2πr, इसकी लेंथ होगी 2πr, यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ है 106, ये भी 106, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ इनर ट्रैक इज 2πr, और यू कैन टेक पाई डी एज वेल, पाई डी प्लस क्या आएगा
पाई डी आ गई इस दोनों की मिला के, ये कितनी है 106 और 106 डबल हो गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ 106। इज इट ओके? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? क्या क्लियर है समझाओ, कहाँ से आएगी? एरिया नहीं है, लेंथ है। सर्कल की लेंथ क्या होती है? क्या नहीं थी सर्कमफेरेंस? हाँ जी 2πr, 2πr, 2r क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है? डायमीटर। तो मैंने पाई डी 2πr भी लिख सकते हैं, मैंने पहले 2πr ही लिखा, कैसे मर्जी करो। ठीक है, ये क्या हो गया 22/7, डायमीटर कितना है 60, ये कितना हो गया 212, करो मल्टीप्लाई इन दोनों को, आंसर बोलो क्या आएगा। कैल्सियम ले लेते हैं 7। वर्बली मल्टीप्लाई करो, इतनी छोटी मल्टीप्लाई है। सेकेंड पार्ट में आपने फाइंड करना है स्क्वायर का एरिया। देखो इधर, ये जो पोर्शन है ये दो ट्रैक है, ये हाफ इधर वाला हाफ इधर वाला, ये हो गया। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे फुल सर्कल बन जाएगा। जब आप इसको कंबाइन करोगे ये क्या बन जाएगा, इसे क्या कहते हैं? एरिया ऑफ रिंग कहते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आउटर माइनस इनर। ठीक है, एक तो ये फाइंड करेंगे। बाहर वाले का रेडियस कितना आएगा 40, इनर का रेडियस क्या आएगा 30। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो गया, उससे एरिया ऑफ द रिंग आ जाएगा, दैट यू नो। ठीक है, अब एक और बात, सब कुछ छोड़ दो, ये है इसका एरिया निकाल। ये क्या है? रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेड कितनी है? ऐसे ही यहाँ पे है, उसका डबल कर देंगे। तो मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया निकाले, लेंथ इनटू ब्रेड का डबल कर देंगे, तो आपको ये जो ट्रैक है जो यहाँ पे इस शेप में दो बन रहे हैं इनका एरिया मिल जाए। रिंग प्लस ये दोनों को प्लस करके यू विल गेट द एरिया ऑफ द होल ट्रैक, शेडेड पोर्शन जो आपका ट्रैक है। ट्रैक मीन्स दैट इज यूज फॉर रनिंग, तो ये मिडल वाला तो नहीं यूज होता, ये आउटर बाउंड्री है ना, ये निकालना है। ठीक है, राइट डाउन, फिर अब कर देते हैं। राइट डाउन एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वेयर, ये तो हो गया एरिया ऑफ द रिंग, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ एंड ट्वाइस ऑफ दैट। Why we are making twice? Because we have two rectangles on the either side of the track. So now use pi. Take pi common. Capital R is your 40. Small r is your 30. And this is 2. Length is 106. Breadth is 10. Okay. Now solve this. Pi is 22/7. This is a square minus b square. Formula bolo a square minus b square. हाँ, प्लस करके क्या आएगा? ए क्या है यहाँ पे? बी। प्लस करो फिर बोलो, 40 + 30 क्या होता है? हाँ, दो हो गई, बस यही बोलते रहो। हाँ,
प्लस करके 70 माइनस करके 10, इसको मल्टीप्लाई करो। ट्वेंटी टू हंड्रेड प्लस 2120 4320 सेंटीमीटर। एनी डाउट? रीड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप में से किसी ने बताना है कैसे करेंगे। रीड करो। क्वेश्चन रीड करो बुक से। ऐसे नहीं, अपने लिए करो, मैं कर लूंगी खुद। एनीवन हैव हु डोंट हैव बुक? लास्ट बुक है फिर से। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इन द नेक्स्ट क्वेश्चन you have given a circle and two diameters are given, either A or B. AC इसका रेडियस जो है वो सेवन है। ये सेवन है, ये भी सेवन, ये भी सेवन, ये भी ये गिवन है। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है टेकिंग डायमीटर एज सेवन, तो रेडियस कितना हो गया? सेवन बाय टू। ठीक है, इसका डायमीटर सेवन है तो रेडियस 3.5 यू कैन से, और इट इज सेवन बाय टू। यहाँ पे एक सर्कल ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है। ये जो ट्राइंगल है ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है? किसने कहा इक्विलेटरल? क्यों इक्विलेटरल क्यों है भाई? आइसोसेलेस होगा। ठीक है, वैसे एक और टाइप ऑफ ट्रायंगल भी है, राइट एंगल ट्रायंगल। डायमीटर्स परपेंडिकुलर होते हैं, ये 90 हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका बेस क्या है? बेस कितना है इस ट्रायंगल का? बेस कितना है पता ही नहीं कुछ। दोबारा इकट्ठे दिखे ना दोनों, आप बोल रहे थे कुछ। ये बेस है दैट इज 14, ये हाइट है दैट इज 7। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है आ जाएगा। करो फाइंड, फाइंड करो जल्दी से एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेम दे दो ए सी बी। ट्रायंगल ए सी बी का एरिया निकाल रहे हो आप, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज 14, हाइट इज 7, दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। हमने फाइंड क्या करना है? ये फाइंड करना है। ये कैसे आएगा? ये कैसे आएगा पुष्कर? ये कैसे फाइंड करेंगे? किसमें से? एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोलो हर्षदीप। हाँ जी, सर्कल का एरिया क्या होता है? तो फिर क्या प्रॉब्लम है सेमी में? क्या प्रॉब्लम है अभी भी नहीं बोलना? हाफ पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाय टू, फाइंड करो एरिया। आंसर बोलो क्या आएगा?
अर्पित आप बोल रहे हो आंसर, पीछे से भी कोई बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो साथ से, मत बोलो, सबको करने दो, फाइन फाइन करो आंसर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? एक मिनट, उठ के इधर आओ। सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया, माइनस करके शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लो। बराबर, इसमें बताओ कौन से सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं, जल्दी बोलो कौन से सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। पता नहीं, वेरी गुड। जिनको यही नहीं पता फाइंड क्या करना है, उनको यही नहीं पता कि सेमी सर्कल कौन सा है इसमें से, हाथ लगा के बताओ। ये ऐसे तो जहां मर्जी करते जाओ। ये डायमीटर है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये सेमी सर्कल है, ये निकाल रही हूँ सेमी सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस। जाओ। हाँ जी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इस पोर्शन को ना 1 दे दो, इसको 2 दे दो, क्योंकि यहाँ पर भी तो शेडेड पोर्शन है, आपको क्या पता कौन सा फाइंड कर रहे हैं। तो जो आपने लिखा है ना एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, वहां ब्रैकेट में लिख दो 1 + 2, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा आपको। एरिया ऑफ 1 + 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल 77 - 49, यही कह रहे थे आप, 28 cm², ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 1 और 2 आ गया। अब आपने फाइंड करना है इसका एरिया। जय आदित्य बोलो, ये क्या है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ये क्या है, सर्कल का रेडियस कितना है? डायमीटर है 7, रेडियस क्या आएगा? 7/2। अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला 3.5 नहीं लेना, 7/2 करो एरिया ऑफ थर्ड, इसे 3 दे दो, से 3 दे दो, क्योंकि सबको बाद में प्लस भी तो करना है ना। एरिया ऑफ 3 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, दैट इज 30, ठीक है। अब क्या करेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए, सबको इन दोनों को प्लस कर देंगे, करो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ रहा है? ठीक है, 66.5 cm². नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी पीछे किया था ना इक्विलेटरल के एक क्वेश्चन, और अभी ऐसे ही है ये भी, लेकिन यहाँ एरिया गिवन है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में, आया हुआ है काफी बार आया हुआ है, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट भी काफी बार आया हुआ यही क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, उसके हर वर्टेक्स से 3 सर्कल बने हुए हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करना है, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे।